नहीं क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई करी बताओ ना। ये बफे चालू बोलते कार्रवाई, कार्रवाई करेंगे बरस बोलते आप लोग कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई हुई है? अब ये मर गया उसके बाद कार्रवाई, उसके बाद एक महिला मरे तब कार्रवाई, एक लेडीज रुकी उससे कार्रवाई, और उसके बाद एक और लड़का मरा था वो भी कार्रवाई। गिरफ्तारी करने की बात नहीं है, आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे आप, थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आप, नहीं बता दे रहे हम आपसे विश्वास लाते हैं, विश्वास नहीं, यहाँ आप फोन करो देखते हैं फोन नहीं उठाते हैं, क्या तरीका है आपका उठाने उठा के हम समझा देंगे इनको आप यहाँ पे अब देखे ना ऐसे ऑफिसर साहब, मैं थाने में घुस के मारता हूँ फिर, मैं बता रहा हूँ आगे आपके लिए। यह है बीजेपी के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर जो खुलेआम पुलिस वालों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं सुधर जाइए मैं थाने में घुस के मारता हूँ। दरअसल जबलपुर शहर के चंदमारी के पास राकेश गोटिया नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी मामले को लेकर अंचल सोनकर कई लोगों के साथ थाने पहुँच गए और घमापुर थाने का घेराव कर लिया। सूचना मिलने के बाद सीएसपी राजेश राठौर मौके पर पहुंचे तो अंचल सोनकर ने उनकी जमकर लताड़ लगा दी। हालांकि यहां सवाल ये है कि अंचल सोनकर पर इस तरह ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को खुलेआम धमकी देने के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, और अगर पुलिस काम में कोताही बरतेगी तो क्या नेताजी थाने में घुसकर पुलिस वालों को ही पीटेंगे? यह हक भला उन्हें किसने दिया है? क्या राज्य में सत्ता होने का गुरूर उन पर चढ़ गया है या नेताजी ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है? बहरहाल घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा है कि वारदात के बाद अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबलपुर पुलिस लगातार घमापुर और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही है। पुलिस जहां जहां कार्रवाई कर रही है वो पूर्व विधायक के रिश्तेदार हैं। जिस तरह पूर्व विधायक ने हंगामा किया है, खुद की ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर लिया है। पुलिस के अधिकारियों को धमकी देना किसी भी पार्टी के नेता की मर्यादा के खिलाफ है। भाई क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई करी बताओ ना। ये बफे चालू बोलते कार्रवाई, कार्रवाई करेंगे बरस बोलते आप लोग कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई हुई है? अब ये मर गया उसके बाद कार्रवाई, उसके बाद एक महिला मरे तब कार्रवाई, एक लेडीज रुकी उससे कार्रवाई, और उसके बाद एक और लड़का मरा था वो भी कार्रवाई। गिरफ्तारी करने की बात नहीं है, आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे आप, थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आप, नहीं बता दे रहे हम आपसे विश्वास लाते हैं, विश्वास नहीं, यहाँ आप फोन करो देखते हैं फोन नहीं उठाते हैं, क्या तरीका है आपका उठाने उठा के हम समझा देंगे इनको आप यहाँ पे अब देखे ना ऐसे ऑफिसर साहब, मैं थाने में घुस के मारता हूँ फिर, मैं बता रहा हूँ आगे आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।